बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि गत 16 अप्रैल को यादव समाज द्वारा एक अहिर जनजागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो वीटी रोड मानसरोवर में किया गया। इसमें हमारी प्रमुख मांग जो थी भारत सरकार से थी कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। इसके साथ साथ 5-7 मांगे हमारी राजस्थान सरकार से भी रखी गई थी हमने 16 अप्रैल को। इसमें प्रमुख मांग हमारी ये थी कि एक तो श्री कृष्ण विकास बोर्ड का गठन हो, एक हमारे जयपुर राजधानी में रिजांगला मार्ग के नाम से कोई एक मार्ग हमारा आवंटन हो, 23 सितंबर को राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, जो 1857 की क्रांति के महानायक थे, उनके शहीदी दिवस को राजकीय अवकाश की घोषणा की जाए। इसके साथ राजस्थान सरकार भारत सरकार को एक अपनी तरफ से लेटर अभिशंसा पत्र जारी करे, जिसमें राजस्थान सरकार यह अभिशंसा करे कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। इन विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कल सभी मांगों पर अपनी सहमति देते हुए बोर्ड का घोषणा करते हुए बाकी जिन जिन चीजों की हमारी थी सबको लीगल सेल में भेजने की बात करते हैं और सभी चीजों का बहुत जल्द आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन सबको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, हमारी पूरी कमेटी, ये विपिन यादव जी हैं, एडवोकेट आशीष जी हैं, तेजराज जी हैं, मंजू लता जी हैं और डॉक्टर सुनीता जी हैं, और भी सदस्य हैं कोर कमेटी के जो अभी मौसम खराब के कारण नहीं आ पाए हैं, उन सब की तरफ से माननीय अशोक गहलोत जी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और समय आने पर यह भी पता पड़ेगा कि जब यादव समाज को आज गहलोत साहब ने इतनी बड़ी सौगात दी है, तो समय आने पर यादव समाज भी इस कांग्रेस सरकार से पीछे नहीं हटेगा, कांग्रेस सरकार के साथ रहेगा। जब जब कांग्रेस सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, यादव समाज उनके लिए हमेशा तक अपना नाम बता दीजिए, भारत यादव। 16 अप्रैल के अहिर जनजागृति सम्मेलन जो जज चला यादव समाज का आया था, उसको लेकर हम बहुत ही उत्सुक थे। कल सीएम साहब ने, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने हमारी सारी मांगों को एक्सेप्ट किया है, हमें एक बहुत ही बड़ा मनोबल दिया है। राजस्थान के अंदर हम 1.5 से 2% होने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यादव समाज की सारी मांगों को सिरे से स्वीकारते हुए और अपने द्वारा केंद्र सरकार को अभिशंसा पत्र भी लिखे जाने की उन्होंने बात कही है। तो हम यही चाहते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ यादव समाज कंधे से कंधा मिलाते रहेगा और जब भी कांग्रेस की सरकार को यादव समाज की जरूरत पड़ेगी, यादव समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। अपना नाम बता दीजिए। विपिन यादव। क्या आएगा? कोर कमेटी सदस्य।